स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश गुरु विक्रम सर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टू टू और इनफ टू का सो दैट कैसे किया जाए, या सो दैट के सेंटेंस का टू टू और इनफ टू कैसे किया जाए। पहले ये समझ लीजिए कि टू टू और इनफ टू का जो सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है, और सो दैट का जो सेंटेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। मैंने सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो जरूर देख लीजिए, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, टू टू और इनफ टू। पहले इन सेंटेंस का मीनिंग समझ लेते हैं। आई एम टू फैट टू रन फास्ट, मैं जोर से भागने के लिए बहुत ही मोटा हूं। मतलब क्या, आई एम सो फैट दैट आई कैनॉट रन फास्ट, मैं इतना मोटा हूं कि मैं जोर से भाग नहीं सकता। ये जो दो सेंटेंसेस है वो सेंटेंसेस क्या बताती है, कॉज और इफेक्ट। कॉज क्या है, कारण क्या है, और उसका इफेक्ट परिणाम क्या है। ये टू टू का सेंटेंस हो या इनफ टू का सेंटेंस हो या सो दैट का सेंटेंस हो, इन सबका मीनिंग सेम होता है। सिर्फ एक दो ट्रिक्स है टू टू का इनफ टू कैसे किया जाए, इनफ टू का टू टू कैसे किया जाए, और इन दोनों का सो दैट कैसे किया जाए, देख लेते हैं। पहले देखते हैं दो डिफरेंट सेंटेंसेस को टू टू या इनफ टू में कैसे कंबाइन किया जाए, दो डिफरेंट सेंटेंसेस का एक सिंपल सेंटेंस टू टू या इनफ टू से कैसे किया जाए। यहां पे मैंने चार सेंटेंसेस लिखी है, देखिए। माय ग्रैंड मदर इज वेरी ओल्ड, शी कांट वॉक फास्ट, मेरी दादी इतनी बूढ़ी है कि वो जल्दी में नहीं चल सकती। अभय इज वेरी ब्रिलियंट, ही कैन आंसर एनी क्वेश्चन, अभय बहुत होशियार है, वो कोई भी सवाल का, किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। ये जो सेंटेंसेस है इनका हमें टू टू या इनफ टू करना है। सबसे जरूरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेंटेंस विच इज द रिजल्ट, जो परिणाम है वो सेंटेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर यहां पे निगेशन है, निगेटिव सेंटेंस है, तो हम टू टू का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे कांट है इसलिए हम इस सेंटेंस को टू टू से ज्वाइन करेंगे, और अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम इनफ टू का इस्तेमाल करेंगे। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। ये जो वेरी है या सो है, इन दोनों का मतलब है टू, बहुत ज्यादा। वेरी हो या सो हो, उन दोनों का मतलब होता है टू। तो जब हम टू टू या इनफ टू करते हैं तो इस वेरी को हमें निकालना चाहिए, और उस वेरी की जगह हम टू का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, माय ग्रैंड मदर इज टू ओल्ड, ये जो सब्जेक्ट है सी और कांट, इनका हमें अब इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि टू टू के सेंटेंस में अगर दोनों तरफ एक ही सब्जेक्ट हो तो हम उसे एक ही बार इस्तेमाल करते हैं। माय ग्रैंड मदर इज टू ओल्ड टू वॉक फास्ट, आसान है। जो सब्जेक्ट का रिपीटिशन है उसे हमें निकालना है, और जो ऑक्सिलरी है, कांट होगा, कुडंट होगा, डिडंट होगा, उसे हमें रिमूव करना है। अब ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में जो सेकेंड पार्ट है, दूसरा सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, और इसका हम टू टू नहीं करेंगे, इनफ टू करेंगे, आसान हो जाएगा। अगर टू टू करना है तो टू नॉट टू करना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सिंपल सेंटेंस कैसा होगा। अभय इज ब्रिलियंट, वेरी की तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन इनफ जो आता है वो एडजेक्टिव के बाद आता है। ब्रिलियंट इनफ टू, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं, कैन की जरूरत नहीं, हमें आंसर लिया एनी क्वेश्चन। ये तीसरा सेंटेंस देखते हैं अब, क्या है इस सेंटेंस में। इट इज सो विंडी वी कांट गो आउट, देखिए इस सेंटेंस की तरफ ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस में हमें दो सब्जेक्ट है, दो डिफरेंट सब्जेक्ट है, यहां पे इट है, यहां पे वी है। पहला और दूसरा सेंटेंस जो था उन सेंटेंसेस में दोनों तरफ एक ही सब्जेक्ट था, यहां दो अलग अलग सब्जेक्ट है, दो अलग अलग सेंटेंसेस के। इनको जब हमें ज्वाइन करना है तो हमें ये दोनों सब्जेक्ट जो है
इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दूसरा सब्जेक्ट जो है वो टू के पहले हम फॉर की मदद से उसका यूज करेंगे। कैसा करेंगे देखिए, इट इज सो की जगह तो हमने टू का इस्तेमाल किया, विंडी इट इज टू विंडी। कांट का तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि टू टू का मतलब ही निगेटिव होता है। इट इज टू विंडी फॉर अस, वी का क्या किया अस किया, टू का इस्तेमाल किया टू गो आउट, बाहर जाने के लिए हमारे लिए बहुत ही विंडी क्लाइमेट है, तूफान है, जोर शोर की हवा है, तो हम बाहर नहीं जा सकते। इंग्लिश इज वेरी इजी, एनीवन कैन लर्न इट। यहां पे जो सब्जेक्ट है एनीवन, एनीवन वन और समवन अगर सब्जेक्ट हो तो टू टू या इनअप टू करते वक्त उनका इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं, उनको तो हम पहले ही निकाल देंगे। अभी क्या करेंगे हम, वेरी की जगह इनअप लेंगे, लेकिन इनअप लेंगे इजी के बाद, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है अफर्मेटिव, तो टू टू से नहीं सॉल्व करेंगे, इनअप टू से सॉल्व करेंगे। इंग्लिश इज इजी इनफ, इनफ का इस्तेमाल हमेशा एडजेक्टिव के बाद में किया जाता है इनफ टू की कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि उसका मीनिंग जो है वो चेंज होता है अगर हम इनफ का इस्तेमाल पहले करेंगे तो। इंग्लिश इज इजी इनफ टू लर्न, ये इट जो है इस इट का इस्तेमाल हम इनफ टू के सेंटेंस में नहीं करेंगे, क्योंकि ये इट मतलब क्या है इंग्लिश है, इट मतलब क्या है इंग्लिश है। सो हमारा आंसर हो गया इंग्लिश इज इजी इनफ टू लर्न, आसान है, कॉन्सेंट्रेट इतना ही करना है कि जो दूसरा सेंटेंस है रिजल्ट का सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है या निगेटिव है। अगर वो अफर्मेटिव होगा तो हम इनफ टू का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो निगेटिव होगा तो हम टू टू का इस्तेमाल करेंगे। टू टू से और इनफ टू से सिंपल सेंटेंस होता है सो दैट के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। ये दोस्तों अब देखते हैं टू टू के सिंपल सेंटेंस का सो दैट का इस्तेमाल करके हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करने वाले हैं। सबसे जरूरी बात है कि जो ओरिजिनल टू टू का सेंटेंस है उसका टेंस क्या है ये जान लेना है, क्योंकि अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस होगा तो सो दैट करते वक्त हम कांट का इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट टेंस में सेंटेंस होगा तो सो दैट का इस्तेमाल करते वक्त हम कुडंट का इस्तेमाल करेंगे। ये आसान रहेगा अगर हमने टेंस को इग्नोर नहीं किया तो, और अगर इग्नोर कर दिया तो सेंटेंस गलत हो सकता है। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस, मल्लार इज टू शाय टू डिलीवर अ स्पीच, भाषण देने के लिए मल्लार बहुत ही शाय है, मतलब वो इतना शाय है कि वो भाषण नहीं दे सकता। इसका हमें अभी सो दैट करना है, क्या करेंगे हम, पहले तो इस टू की जगह सो का इस्तेमाल करेंगे, मल्लार इज, मल्लार इज सो शाय। ये जो टू है यहां पे हमें दैट का इस्तेमाल करना है, और जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। यहां पे मल्लार है तो यहां पे आ जाएगा ही, और इसके बाद हमें डिसाइड करना है कांट या कुडंट, ये डिपेंडेंट है इस सेंटेंस के टेंस पे। यहां पे इज है, प्रेजेंट टेंस है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे कांट, दैट ही कांट डिलीवर अ स्पीच। आसान है ना, सिर्फ तीन स्टेप है, पहली स्टेप टू की जगह सो का इस्तेमाल करें, दूसरी स्टेप इस टू की जगह दैट प्लस प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट प्लस कांट और कुडंट, और उसके बाद जो सेंटेंस है वो जैसे के तैसा। गौरव इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स, यहां पे हमें टू निकालना है, ये टू भी निकालना है, कैसे हो गया हमारा आंसर। आप बोलेंगे सर आसान है, गौरव इज सो वीक, इस टू की जगह क्या करेंगे दैट, कौन है सब्जेक्ट गौरव है, सो ही, और प्रेजेंट टेंस है तो कांट, ही कांट लिफ्ट दिस बॉक्स। अब बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, ध्यान कहां रखना है, यहां पे
पास्ट टेंस है, तो हम दैट के आगे जो क्लॉज रहता है उस क्लॉज में हम सबॉर्डिनेट क्लॉज में हम कांट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुडंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हो गया आंसर, राधा वॉज सो लेजी, टू की जगह दैट, राधा सब्जेक्ट है इसलिए प्रोनाउन क्या लिया शी, और पास्ट टेंस है इसलिए क्या लिया कुडंट, शी कुडंट वेक अप अर्ली। इतनी आलसी थी राधा कि वो जल्दी नहीं उठ सकी। तो इनअप टू का सो दैट, एक ही बात ध्यान में रखिए, एक ही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी बात है, इनअप टू का सेंटेंस का सो दैट जब हम करते हैं तो दैट के बाद का जो सेंटेंस होता है उसमें हम निगेशन नहीं कर सकते, दैट के बाद का जो क्लॉज आएगा वो अफर्मेटिव आएगा, हम कांट या कुडंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैन या कुड का इस्तेमाल करना चाहिए। बस इतना सा ध्यान में रख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी प्रोसेस जो है वो टू टू के जैसे ही है। अवर टीचर इज क्लेवर इनफ टू टीच एनी टॉपिक, अवर टीचर इज, ये जो इनफ टू है वो जाएगा और जो सो आएगा वो एडजेक्टिव के पहले आएगा। इनफ तो एडजेक्टिव के बाद में आया है लेकिन सो हमें एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल करना चाहिए। अवर टीचर इज सो क्लेवर, दैट टू की जगह दैट सब्जेक्ट का प्रोनाउन, अवर टीचर ही सी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट ही कैन का इस्तेमाल करना चाहिए, यहां पे हम कांट नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि इनअप टू का सेंटेंस है। अवर टीचर इज सो क्लेवर दैट ही कैन टीच एनी टॉपिक, आ गया ध्यान में, आसान है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, द टेस्ट वॉज इजी इनफ फॉर मी टू गेट गुड मार्क्स। सिर्फ यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ये टू के पहले और इनफ के बाद फॉर कोई आ गया तो ये दूसरा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, उस वक्त हमें इस सब्जेक्ट को आगे नहीं लेना है, यहां पे दूसरा सब्जेक्ट है दैट के बाद। तो कैसे सॉल्व करेंगे, द टेस्ट वॉज इनफ गया, फॉर गया, टू गया, इजी के पहले सो आया, सो इजी दैट, मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है क्योंकि अभी इसको हमें सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करना है मी को, तो इसलिए हमने क्या लिया आई, द टेस्ट वॉज सो इजी दैट आई कुड, क्यू कुड का इस्तेमाल किया, हाँ आपने सही पहचाना है यहां पे पास्ट टेंस है इसलिए कुड, द टेस्ट वॉज सो इजी दैट आई कुड गेट गुड मार्क्स, आई कुड गेट गुड मार्क्स, आ गया ध्यान में। चलिए आगे, अमित इज ब्रेव इनफ टू फेस एनी चैलेंज। आप कहेंगे सर हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से, इसमें क्या मुश्किल है, हाँ आप सॉल्व कर सकते हो, हाँ बताइए, हाँ सही है, अमित इज इनफ टू गया, इसकी जगह क्या गया सो आ गया, अमित इज सो ब्रेव दैट, क्या लेंगे प्रोनाउन, हाँ ही लेंगे, अमित है दैट ही, और सिर्फ इतना सोचिए कैन या कुड, कैन that he can face any challenge, answer हो गया Amit is so brave that he can face any challenge। तो friends चलिए देखते हैं so that का टू टू या enough to कैसे करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि so that का जो sentence होता है वो complex sentence होता है और टू टू या enough to जब हम करते हैं तो वो simple sentence हो जाता है। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस कैसे होगा, तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि सो दैट का सिंपल या तो टू टू से होगा या इनफ टू से होगा। टू टू से कब करेंगे और इनफ टू से कब करेंगे, एक आसान सा ट्रिक है ध्यान में रखिए, अगर दैट क्लॉज जो है वो निगेटिव है तो टू टू का इस्तेमाल करेंगे और दैट क्लॉज अफर्मेटिव है, दैट के बाद का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है तो हम इनफ टू से सिंपल करेंगे सो दैट का। इतना ध्यान में रख लिया तो मुश्किल कुछ नहीं है, सो दैट का टू टू और इनफ टू तो इंटरमीडिएट लेवल के लड़के आराम से करते हैं। कैसे करना है, हमें सो को निकालना है, दैट का निकालना है,
यहाँ पे जो सब्जेक्ट है अगर वही यहाँ पे होगा तो उसको भी निकालना है, और ये जो कैन या कुड या कांट और कुडंट जो है उसको निकालना है। जो कुछ बचा है बहुत थोड़ा कुछ बचा है, इसमें क्या करेंगे हम, इंडिया इज, रुके थोड़ा, जल्दबाजी शैतान का काम है, क्योंकि हमें ये देखना है दैट के बाद का क्लॉज अफर्मेटिव है या निगेटिव है। कैन है यहाँ पे तो अफर्मेटिव क्लॉज है, तो हमें यहाँ पे पावरफुल इनफ करना है। अगर कांट होता तो हम टू पावरफुल करते, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए इंडिया इज पावरफुल इनफ, पावरफुल इनफ, टू का इस्तेमाल किया इनफ के बाद, इंडिया इज पावरफुल इनफ टू। बाकी जो सेंटेंस है वैसे के वैसा, डिफीट एनी कंट्री, भारत इतना सक्षम है कि वो किसी भी देश को हरा सकता है, पावरफुल इनफ टू डिफीट एनी कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश इज सो इजी दैट वी कैन स्पीक फ्लुएंटली। स्टेप्स वही है, पहले देखिए दैट के बाद का जो क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो अफर्मेटिव है या निगेटिव है। यहाँ पे कैन स्पीक है तो अफर्मेटिव है। हमारे आंसर के बारे में हमने पहले से ही सोच लिया है कि हम इनफ टू का इस्तेमाल करेंगे, हम निकालेंगे सो को, दैट को, वी को, कैन को, और इंग्लिश इज इजी इनफ। अब क्या हो गया, वी को तो हमने निकाला है लेकिन वी दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो इसको हमें दिखाना है यहां पे, लेकिन दूसरे तरह से दिखाना है। ये जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाएंगे फॉर अस। इंग्लिश इज इजी इनफ फॉर अस, हमारे लिए इजी है फॉर अस, और उसके बाद लगाएंगे टू स्पीक फ्लुएंटली। फ्लुएंटली इस सेंटेंस में फॉर अस का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि यहां का सब्जेक्ट है इंग्लिश, यहां का सब्जेक्ट है वी, यहां का सब्जेक्ट है वी, और इसलिए वी की जगह हमने फॉर अस लिया। इस सेंटेंस में हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि यहां का सब्जेक्ट था इंडिया, यहाँ का सब्जेक्ट इट मतलब इंडिया ही था, तो हमें दो सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे लेकिन जरूरत थी, इसलिए हमने इस सब्जेक्ट को फॉर अस ऐसा लिया। वी है तो फॉर अस किया, आई होता तो फॉर मी करते, दे होता तो फॉर देम करते, ही होता तो फॉर हिम करते, अगर नाम होता तो फॉर गणेश, फॉर रमेश, जो कुछ नाम होता उसी का ही इस्तेमाल करते हम। प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस होना जरूरी है, ये ध्यान में रखिए। This place is so dark that one can't see clearly. अगर one, anyone, someone, none हो तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता enough to में या to टू में। हमें देखना है ये सेंटेंस जो है negative है, इसलिए हम can't निकालेंगे, that निकालेंगे, so निकालेंगे, और negative सेंटेंस होने की वजह से to टू से इसका सिंपल करेंगे। कैसे हो जाएगा फिर, this place is, सो की जगह टू का इस्तेमाल किया, टू डार्क टू सी क्लियरली। आराम से, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। अगर फिर भी डिफिकल्ट लगे आपको तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, keep studying.